हे गाइस, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम गैलेक्टस का एमसीयू में डेब्यू, टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन रिटर्न, द मार्वल्स का ट्रेलर और ऐसे ही बहुत से न्यूज के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, सब कुछ जानने के लिए पूरा वीडियो देखें और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं गैलेक्टस के बारे में। तो गाइस, मल्टीवर्स सागा जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है और सीक्रेट वॉर्स तक तो कैंग और उसके वेरियंट्स का ही कहर होगा। बट रिसेंटली जो रिपोर्ट्स मिले हैं उसके हिसाब से शायद गैलेक्टस भी मल्टीवर्स सागा में अपना डेब्यू करने वाला है। लाइक रिसेंटली मल्टीपल इंसाइडर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि गैलेक्टस ही फैंटास्टिक फोर का मेन विलन होगा। और पिछले साल अक्टूबर को भी ये रिपोर्ट हुआ था कि मार्वल सिल्वर सर्फर का एक स्पेशल प्रेजेंटेशन बना रही है, जो कि फैंटास्टिक फोर मूवी के कुछ महीने पहले ही रिलीज होगा। जिसका मतलब ऑब्वियसली सिल्वर सर्फर भी फैंटास्टिक फोर में देखने मिलेगा। और ये तो हम सबको पता है कि सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के लिए ही काम करता है। सो गाइस, आई थिंक मे बी सिल्वर सर्फर के प्रोजेक्ट में हमें गैलेक्टस का कोई छोटा सा टीज देखने मिलेगा और फैंटास्टिक फोर मूवी में ही हमें प्रॉपर गैलेक्टस देखने मिलेगा। एंड आई नो कि गैलेक्टस अपना एक सेपरेट सागा डिजर्व करता है, बट गाइस लेट मी क्लैरिफाई, लाइक हम सबको पता है कि मार्वल गैलेक्टस या डॉक्टर डूम जैसे विलन्स को कोई रस तो नहीं करने वाली। सो मे बी फैंटास्टिक फोर मूवी में गैलेक्टस को सेटअप किया जाएगा और अगले सागा में ही वो उसे एक प्रॉपर एंटागोनिस्ट की तरह प्रेजेंट करेंगे। लाइक मे बी सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के लिए फैंटास्टिक फोर को वॉर्न करने आ रहा है कि गैलेक्टस आ रहा है तुम्हारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और गैलेक्टस कोई बाजू की गली में तो नहीं रहता कि ऐसे ही साइकिल पकड़ के तुरंत आ जाए। सो गाइस, मे बी ये जब तक कैंग को उड़ाएंगे तब तक गैलेक्टस इनके चौकट में होगा। लाइक आई थिंक इट डेफिनेटली एड अप करता है। सो गाइस, देखते हैं। देन अगला न्यूज है सिनेमाकॉन के बारे में। तो गाइस, अप्रैल 24 को सिनेमाकॉन में सोनी पिक्चर्स का एक प्रेजेंटेशन होने वाला है और इसके बहुत चांसेस हैं कि सोनी यहां पे स्पाइडरमैन 4, वेनम 3 या क्रेवन द हंटर से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट कर सकती है। सो देखते हैं। देन अगला न्यूज है टोबी मैग्वायर के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली टोबी मैग्वायर को ये पूछा गया कि अगर वो सीक्रेट वॉर्स या कोई और प्रोजेक्ट्स के लिए वापस आ सकते हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि उन्हें सुपर हीरो मूवीज या सीरीज बहुत ही पसंद है, स्पेशली अगर कोई प्रोजेक्ट स्पाइडरमैन से रिलेटेड हो। सो अगर फ्यूचर में उन्हें कभी कॉल आया स्पाइडरमैन के रूप में वापस आने के लिए, तो उनका आंसर हाँ ही होगा। एंड Honestly guys, No Way Home के बाद तो I think both Andrew और Toby more than ever interested होंगे ऐसे one time cameos करने के लिए। So Secret Wars में तो वो पक्का वापस आएंगे, and who knows maybe उससे पहले भी। Then अगला news है कि recently insider My Time to Shine Hello ने ये claim किया है कि Captain America New World Order एक mini Avenger movie होने वाली है, just like Civil War। And honestly इस movie में Vibranium, Red Hulk, The Leader, New Avengers, Valentina, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। So guys, ये movie definitely फाड़ने वाली है। Then अगला news है The Marvels के trailer के बारे में। तो guys, Carol Danvers की जो Spanish voice actress है, उन्होंने recently एक post से ये imply किया है कि उन्होंने Carol Danvers के लिए recording start कर दी है। So probably वो The Marvels के trailer को ही record कर रही हैं, because अगले महीने यानी February 12 को Super Bowl है और Disney हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे release करती ही है। और Quantumania के तो already दो trailers आ चुके हैं, Guardians का एक trailer आ चुका है। So maybe वो द मार्वल्स का पहला ट्रेलर फेब्रुअरी 12 यानी सुपर बाउल में रिलीज कर सकते हैं। So guys, देखते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज वीडियो का एक लाइक कर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।